My dear students, on your demand, I want to tell you regarding the PST and JST. So you will see government is very sincerely going to appoint meritorious students. So government is sincerely trying to maintain merit in our society, and meritorious students or candidates will be selected, inshallah. So in this way, I am just going to provide you some tips regarding your test structure. Jab government ne aapko encourage kiya hua hai, government chahti hai ki hamare nojwan nu mein frustration khatam ho jaye aur wo aapko merit par appoint kar rahi hai, to is hawale se maine ye lecture taiyar kiya hua hai aapki demand par, ke us hawale se main tips de raha hu aapko ki jisse aap fayda utha sakte hain. So is hawale se jab do areas government ne announce kiye hue hain, PST aur JST. Jab PST hum kehte hain to iska maqsad ye hai ki primary school teacher, aur jab hum JST kehte hain to iska maqsad ye hai ki junior school teacher. अब इनकी अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आपकी सलाहियतों पर मुनहसर है. आप अगर एबल हैं, कैपेबल हैं, मेरिटोरियस हैं, तो इंशाल्लाह आप ही टीचर बनेंगे और गवर्नमेंट टीचरों को मेरिट पर अपॉइंट कर रही है. तो मेरिट आप अपनी मेंटेन करें, अपने पोटेंशियल्स को मेंटेन करें. वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस हवाले से कुछ सिलेबस गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि इंग्लिश उसमें हो और उसमें जनरल नॉलेज है, उसमें इस्लामियात है, उसमें पाकिस्तान स्टडी है और उसमें सोशल साइंसेस हैं. ये आपका मुतालिया होना चाहिए, आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप इसकी तैयारी अब से शुरू करें और उसमें क्या करना है कि उनके बड़े बड़े मोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो है वो आप अपने जहन में रखें, और उसमें फिगर्स जो आती हैं, फैक्ट और फिगर्स होती हैं, ये फैक्ट और फिगर्स आपके जहन में होनी चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स के हवाले से कौन सी फैक्ट है, कौन सी फिगर है. तो ये सारी चीजें आपको जहन में रखनी है. तो अब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो मोस्टली इंग्लिश के हवाले से बता रहा हूँ, बिकॉज यू नो आई एम प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, देयरफॉर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इंग्लिश. सो इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड वी आर लिविंग इन द ग्लोबल वर्ल्ड, एंड दिस ग्लोबल वर्ल्ड वी हैव टू सर्वाइव with English language. So improve your English language, and that is very beneficial for your future, for your character, for your development, especially in this society, in this country and all over the world. So this is very important for you. अब मैं आपको English के हवाले से बात करता हूँ कि जब English की हम बात करते हैं तो क्या मसला होता है. तो English में हमें सबसे पहले जब English कहते हैं तो उसका कुछ areas होते हैं, कुछ उसकी basic areas हैं, कुछ उसकी एडवांस्ड एरियाज है. तो जब बेसिक एरियाज में आते हैं तो वहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि हमें सेंटेंस को इम्प्रूव करना है. सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ छोटी छोटी सी बातें आती हैं जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो स्ट्रक्चर हैं वो मैं आपको बताता हूँ. तो उसके हवाले से मैंने कुछ व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, आप इधर देख सकते हैं. जब हम ये कहते हैं कि ये प्राइमरी स्कूल टीचर है तो ये पीएसटी है, जब हम ये कहते हैं कि जेएसटी है तो इसका मकसद है जूनियर स्कूल टीचर है. तो इसका जो सिलेबस है वो इस तरह है कि इंग्लिश है उसमें, जनरल नॉलेज है उसमें, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है और सोशल साइंसेस है. ये सोशल और ये फिजिकल साइंसेस है. तो ये फिजिकल साइंस और सोशल साइंस जो है बेसिक साइंस में आते हैं कि आप उनकी स्टडी कर सकते हैं.
तो इस हवाले से मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इंग्लिश के हवाले से, तो इंग्लिश में क्या आपको आएगा, तो इंग्लिश में एडवांस स्टडीज में सबसे पहले हमें कॉम्प्रिहेंशन आती है। तो कॉम्प्रिहेंशन जो हम कहते हैं तो इसका मकसद ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू सी द पोटेंशियल ऑफ आवर स्टूडेंट्स, आइदर दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश और नॉट, आइदर दे आर फेमिलियर with the meaning of the passage or not. So we don't believe in cramming, we don't believe in ratification, but we believe in creativity and understanding of the things. So is hawale se jab aap imtihan denge to usme ho sakta hai ki aapko comprehension aa jaye. To comprehension mein kya hota hai, ek passage hoga, ye likha hua ek tukda hoga, us likhe hue tukde mein कि मैं बहुत से चीज़ें होंगी जो आपको उनकी रीडिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप उसकी रीडिंग करेंगे, रीडिंग के बाद जो आप अंडरस्टैंड करेंगे, नीचे क्वेश्चन दिए होंगे तो उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, आपको उसको प्रॉपर वे में जवाब देना, अपनी तरफ से नहीं देना, कहाँ से देना है, जो लिखा हुआ है उधर वो ही देना है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो लिखा हुआ है वो इसने कैंडिडेट को आता है नहीं आता, कि लिखी हुई चीज इसने फॉलो किए है नहीं किए, ये हम देखते हैं। उसमें राइट और रॉन्ग का प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें आपके ओपिनियन का मसला नहीं है, उसमें जो है चीजों को इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी लिखा हुआ है वो आपको प्रोड्यूस करना है। तो इसको हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जब आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे मीन्स अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मीन समझेंगे। जब आपको ये समझ में आ जाती है बात तो फिर आप उसके जवाब भी दुरुस्त देंगे। जब आपने समझाई नहीं है, आपके अकल में ये बात आती नहीं है, तो उसके डेफिनेटली जो आंसर्स होंगे वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले बात जो है अंडरस्टैंडिंग की है कि आप पैसेज को अंडरस्टैंड करें और उसके जवाब नीचे दिए हुए आप दे दें, वो दुरुस्त जवाब होंगे। उसके बाद को ये पैराग्राफ भी दे सकते हैं, ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो है वो भी दे सकते हैं। तो पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको टॉपिकल सेंटेंस लिखना होता है, जो टॉपिक होती है उसकी आपने टॉपिकल सेंटेंस बनाया होता है। उसके बाद क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, बुलेट्स में करना है, जो आपको दो तीन आइडिया आते हैं उसके बारे में इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद एक कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना है, तो इसमें ये कोहेरेंसी आ जाती है। तो पैराग्राफ आपकी कोहेरेंट होनी चाहिए, तो जितने भी सेंटेंस आपने लिखे हुए हैं उसमें टॉपिकल सेंटेंस भी है, उसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं, उसमें जो आइडियाज आपने पेश किए हैं वो भी हैं, और उसके पीछे आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस किया हुआ है, तो आपने ये पैराग्राफ बनाई हुई है। तो पॉसिबल है कि बहुत सी पैराग्राफ आ जाए और कितनी टॉपिक्स पर वो दे सकते हैं, लेकिन आपके पास स्किल होना चाहिए। ये स्किल मैनेजमेंट का इश्यू है, स्किल का दौर है, आपको स्किल आना चाहिए। तो एन स्किल आदमी जो है उसका सर्वाइवल बहुत बड़ा मुश्किल है। स्किल मैन कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, so this is very important phenomena, an important phase where we are living, we must develop our skills. hum skill ke siwa idhar survive nahi kar sakte, jahan par hum rehte hain, jis duniya mein hum rehte hain, jis mulk mein hum rehte hain, ab merit ka zamana aa raha hai ki aapki merit hogi, aapke sath insaaf hoga, aap mayus na ho, aap apni dil ko kushada kare, dimag ko kushada kare, वो दिल और दिमाग की कुशादगी का ताल्लुक इल्म से। अगर आपके पास स्किल है, इल्म है कि आप आगे जा सकेंगे, आप पीसीएस कर सकते हैं, आप सीएसएस कर सकते हैं, आप बड़े अफसर बन सकते हैं, तो गरीब आदमी के लिए पाकिस्तान में सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है कि आप मेहनत करें। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, मेहनत का जमाना है, मेहनत करें, आगे बढ़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, आपका नाम रोशन होगा, पाकिस्तान ब्राइट होगा, अच्छी बात है, आप अपना फ्यूचर को आगे बढ़ाएं। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं कि आपके फ्यूचर का ताल्लुक आपके पोटेंशियल के साथ है,
आपकी मेहनत के साथ है कि आप मेहनत करेंगे, आप जिद्दोजहद करेंगे कि आप आगे बढ़ेंगे। तो जिद्दोजहद का जमाने में आपको मायूस नहीं होना, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप मायूस ना हो, मेहनत करें, मेहनत में बड़ी बरकत है, मेहनत से आप आगे बढ़ सकेंगे। सो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो वो अपने तरीके से लिखेंगे, जब पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आपको आ गया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो अगर ऐसे आपके पैटर्न में आ जाता है, वो देते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दे कैन गिव यू ऐसे राइटिंग। तो इस हवाले से यू मस्ट हैव स्किल, आपको ऐसे का स्किल भी आना चाहिए। तो पैराग्राफ का स्किल तो मैंने बता ही दिया है, अब ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है वो भी पैराग्राफ के साथ ही ताल्लुक रखता है कि पैराग्राफ्स मिलकर ऐसे बनाती हैं। अगर आपको पैराग्राफ लिखना आ गया है तो आप ये समझें कि आपको ऐसे लिखने का तरीका आ गया, क्योंकि पैराग्राफ मिलकर ऐसे बनाती हैं। तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपका ओके है, स्किल ऑफ पैराग्राफ यू नो वेरी वेल, देन यू कैन गो फॉरवर्ड टुवर्ड द ऐसे राइटिंग। तो उसमें भी ये होता है कि ऐसे हमें लिखना है, उसके तीन पोर्शन होते हैं। पहले पोर्शन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक देते हैं कि टॉपिक का हमने इंट्रोडक्शन करवाना है, और उसके बाद हमने कुछ पैराग्राफ्स लिखनी है, उसको टॉपिकल जो पैराग्राफ है उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी बॉडी बनानी है। इंट्रोडक्शन जो किया हुआ है उसके बाद हमें बॉडी बनानी है टॉपिक की, और टॉपिक में बॉडी में क्या होगा, बॉडी बनानी है, बॉडी ऑफ द एसे किताबों में लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ द एसे। तो ये क्या होता है, ये सिस्टम को थोड़ा बढ़ाना होता है, ये सिस्टम बताना होता है कि इसमें ये चीजें ये चीजें ये चीजें आती हैं। तो इस हवाले से आखिर में हम जो पैराग्राफ लिखते हैं उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहते हैं, वो तीसरा पार्ट होता है। तो ऐसे के तीन हिस्से होते हैं, ये इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा उसका मिडिल ऑफ ऐसे होता है या हम उसको बॉडी ऑफ ऐसे कहते हैं, और तीसरा उसका क्या पार्ट होता है, कंक्लूजन होता है कि ऐसे को आप कंक्लूड करेंगे। पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में एक पैराग्राफ लिखेंगे, बॉडी में तीन चार पैराग्राफ लिखेंगे या डिमांड के मुताबिक लिखेंगे। अगर 10 मार्क्स का है तो ऐसे ऐसा बनाना है, अगर 20 मार्क्स का ऐसे तो ऐसे इस तरीके से लिखना है, अगर 50 मार्क्स का है, पीसीएस में 50 मार्क्स का होता है, तो ऐसे को हमने बढ़ाना है। कहां पर बढ़ाना है, मिडिल में बनाना है। कहां पर बनाना है, बॉडी में बनाना है, बॉडी ऑफ द ऐसे में बढ़ाना है उसको। अगर ऐसे में 100 मार्क्स हैं, जैसे सीएसएस में होता है, ऐसे में एक ऐसे की 100 मार्क्स होती हैं, तो उसमें क्या हमें करना होता है, टॉपिक तो वही होती है कि 10 नंबर की भी वही टॉपिक हो सकती है, 50 की भी वही हो सकती है, और 100 की भी वही टॉपिक हो सकती है। यहां पर स्किल का प्रॉब्लम होता है, इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है, नॉलेज का प्रॉब्लम होता है, ऑब्जेक्टिव राइटिंग एंड ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, सब्जेक्टिव राइटिंग एंड सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं कि ये स्ट्रक्चरली आपको वहां पर लिखना है, जो ऐसे का स्ट्रक्चर है उसमें लिखेंगे। तो मुख्तसरन आपको ये बात समझनी चाहिए कि जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं उसकी बिगनिंग होती है, उसका मिडिल होता है, उसकी एंड होती है, तो इस तरह ऐसे का भी यही होता है, उसकी बिगनिंग होती है, उसका मिडिल होता है, उसकी एंड होती है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे तो हमारा ऐसे बन जाता है। तो इस हवाले से और जो एरियाज में बता रहा हूं आपको, उसमें जैसे आप देखेंगे कि मैंने ये बताई लिखी हुई है कि इधर वोकेबलरी भी आ सकती है, तो इस टेस्ट में आपको वोकेबलरी का भी प्रॉब्लम आ सकता है, वोकेब आ सकती है। वोकेब में क्या देंगे, उसमें वोकेब में दो एरियाज आपको देंगे, यहां पर बैटरी अपोजिशन का प्रॉब्लम होता है और उसमें सिमिलरिटी का प्रॉब्लम होता है कि वर्ड्स जितने भी हैं वो उस रिजेंबलेंस दिखाते हैं, सिमिलरिटी दिखाते हैं, तो उसको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो सिनोनिम्स वो वर्ड्स हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनकी मीनिंग्स जो है सेम होती है। तो इस हवाले से आपको देखना है कि देयर इज सिमिलरिटी इन द वर्ड,
और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिमिलरिटी दिखाते हैं, सिमिलर मीनिंग देते हैं। तो इस हवाले से भी आपको स्टडी करनी है अल्फाज की, कि कौन से वर्ड के साथ सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी कैसे दिखाते हैं। तो ये मीनिंग के इशू होते हैं, ये वर्ड मीनिंग में आप जाएंगे, उनकी सिमिलर मीनिंग देखेंगे, वो स्टडी करनी पड़ेगी। और दूसरा बाइनरी अपोजिशन का प्रॉब्लम होता है, जहां पर वर्ड्स एक दूसरे के अपोज्ड में होते हैं, तो उनको हम एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स जो कहते हैं, तो वो वर्ड्स की अपोजिशन होती है, एक की एक इधर मीनिंग होती है, उसकी उधर मीनिंग होगी। तो अगर ये एक वर्ड है जो इंटेलिजेंट है, तो दूसरा जो है अनइंटेलिजेंट होगा। तो अगर जो क्लेवर है, दूसरा डल होगा। तो इस हवाले से जो हमने ये कोऑर्डिनेशन देखनी है, वो बाइनरी अपोजिशन में देखनी है, कि थिंग्स जो इधर हैं वो बहुत ही बाइनरी अपोजिशन में। तो ये वोकैब का प्रॉब्लम इस तरह आप देखेंगे। ये टिप्स है कि आपको कैसे स्टडी करनी है। तो पॉसिबल है कि आपको वोकैब का मसला आ जाए पेपर में, तो वो आपको देखना है कि सिमिलर वर्ड्स भी देखने हैं और अपोस्ट वर्ड्स भी देखने हैं, उनकी स्टडी करनी है। वो अब से स्टार्ट करें, जितना भी ड्यूरेशन आपको मिलता है तो उसमें आप ये चीजें कवर करें। उसके बाद जो दूसरा मसला होगा वो आ सकता है आपको, वो ग्रामर का भी हो सकता है। ग्रामर के पैटर्न में क्या होगा, उसमें मेजर जो है वो वर्ब है, और उसके में दूसरी जो मेजर चीज है वो प्रीपोजिशन है। तो आप प्रीपोजिशन को टारगेट बनाएं। द प्रीपोजिशनल स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि हमने आन अगर स्टडी करेंगे तो आन के बहुत ही यूजेस होते हैं। इनकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके बहुत से यूजेस होते हैं। अगर इस हवाले से हम ऑफ की स्टडी करते हैं, ओएफ की, तो उसके बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम इस हवाले से एट की स्टडी करते हैं, ए टी एट, तो एट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस हवाले से उसके बहुत से यूजेस होते हैं। तो इस हर साइड पर हमें देखना है कि प्रीपोजिशन के जो साइड्स हैं, जिसके यूजेस बहुत हैं, तो वो सारे हमें ज़हन में रखने हैं। ये टिप्स मैं बता रहा हूं कि प्रीपोजिशन की एक यूज नहीं है, ये आप बात रखें। कि आप हमें जो पढ़ाया जाता है, इधर हम जो देखते हैं कि एक प्रीपोजिशन का एक यूज बच्चों को आता है, तो बड़े भी हो जाते हैं, कैंडिडेट बन जाते हैं, सीएसएल भी देते हैं, पीसीएल भी देते हैं, उनको एक ही यूज आता है। तो एक प्रीपोजिशन के बहुत से यूजेस होते हैं। अगर इन हमें पढ़नी है तो इनमें बहुत से यूजेस हैं, एक यूज इनका नहीं है, बहुत सी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, बहुत सी डिफरेंट मराइल में हम उसको इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से बहुत सी प्रीपोजिशन हैं, कोई कुछ सिंपल हैं, कुछ कंपाउंड हैं, और कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन हैं। तो इन सब की स्टडी करनी पड़ेगी। उस हवाले से प्रीपोजिशन जो है वो कॉम्प्लेक्स इस हवाले से कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लाजम मलजूम कुछ प्रीपोजिशंस के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे कि हमने इस्तेमाल करनी है रिमार्क्स, अगर रिमार्क्स इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ प्रीपोजिशन आन लगती है या अपान लगती है। अगर हम प्राउड इस्तेमाल करते हैं तो प्राउड के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर प्राउड के साथ और प्रीपोजिशन अगर इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इस हवाले से इसको जब कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन विद अदर वर्ड्स पर हम आते हैं, तो उसको हम कपल प्रीपोजिशन कहते हैं। कि ये जो जोड़े होते हैं अल्फाज के, वो प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं। कि ये अगर अल्फाज आपको पढ़ना है तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन भी पढ़ लें। तो ये इस स्ट्रक्चर से मैं टिप्स दे रहा हूं कि आप इस तरह से स्टडी करें कि अगर आपको अल्फाज पढ़ने हैं, लव्स पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, वर्ब पढ़नी है या नाउन पढ़ना है, तो उसके साथ जुड़ी हुई जो प्रीपोजिशन है वो भी आपके जेहन में होनी चाहिए। तो इस हवाले से प्रीपोजिशन आपकी कवर हो सकती है। और दूसरा एरिया जो है वर्ब का एरिया है, वो भी बहुत बड़ा है, बल्कि है। तो उस बल्कि एरिया में, उस बल्कि चैप्टर में आपको जो मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूं, उसमें टेंसेस को आप देख लें। कि टेंसेस जो है बहुत ही उनके यूजेस हैं। अगर हम सिंपल प्रेजेंट को ही लेते हैं तो उसके 10
different uses. तो simple present tense हम 10 different तरीकों में इस्तेमाल करते हैं. तो कभी वो हमें जो meaning देता है simple present tense, कभी future की देता है, कभी past की देता है, कभी वो जो है condition में जाता है, condition of time बताता है, कभी हमें condition of जो है ये condition of time बताता है, कभी जो है और चीज बताता है, कभी continuity को वो जो है बिलाग करता है. जैसे कुछ अल्फाज होते हैं जैसे understanding है, know है, hate है, love है, तो इसके continuous form नहीं बनते. तो उधर क्या करना है, उधर हमें simple present इस्तेमाल करना है. तो simple present tense की भी बहुत सी conditions है, continuous की अपनी conditions है, present perfect की अपनी conditions है. तो इन में जाना है आपको, स्टडी करनी है, मुतालिया करना है, बहादुरी से आगे बढ़े, अपना हौसला बढ़ाएं और मेहनत करें तो आप आगे बढ़ सकेंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे. तो टेंसेस भी पढ़ें और टेंसेस के बाद आपको क्या करना है, आपको एक्टिव पैसिव भी देखने हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देखनी है, और उसके बाद कुछ वर्ब्स के और स्ट्रक्चर्स हैं जैसे इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है वो भी देखना है, जैसे पार्टिसिपल है वो भी देखना है आपको, और उसके बाद जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स का भी बहुत बड़ा मसला है, वो भी आपको देखनी है, वो मॉडल वर्ब्स भी आप देख लें. तो इनमें इन सब चीजों में आपकी नजर होनी चाहिए. तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कैंडिडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होनी चाहिए, कि आपको सरफेस स्टडी नहीं होनी चाहिए. जब कॉम्प्रिहेंसिवली आप स्टडी करेंगे तो रिजल्ट माशाल्लाह आपकी फेवर में होगा. तो आप मायूस ना हो, आप अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं. ग्रामर के हवाले मैंने टिप्स दिए हुए हैं, आप किताबों में जाएं, गो थ्रू द बुक्स एंड ट्राई योर बेस्ट, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. विश यू गुड लक.